अरे यार बहुत डेंजरस है। ठंडक लगी हुई है तो दोस्तों इसको छिपने की जगह नहीं मिल पाई और इसलिए आप देख सकते हैं ये स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। जब भी ठंडक का महीना आता है तो भी इन बेजुबानों के लिए काफी दिक्कत होती है और काफी समस्या पैदा होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेढ़ साल तो जब भी ऐसा बेजुबान अगर आपको दिखाई देता है तो आप ही बचा सकते हैं। डेढ़ साल अगर आप जैसे नहीं बचाते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। और दोस्तों इनको मारना नहीं चाहिए, ठंडक के महीने में भी इनको दिक्कत होती है, गर्मी के महीने में भी इनको दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये ठंडक से काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों आप एक चीज और सोच सकते हैं कि इतना काफी विशाल का है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप जो इतना जहरीला है, देख ले माता जी, माता जी देखिए तो दोस्तों इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 25 साल के आसपास पुराना इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। ये 25 साल हो गए ना, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा बाहर ले चलते हैं। सांप रहा भैया। दोस्तों इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में इसी को नाग बोलते हैं और इसी को फेडार बोलते हैं, बिहार की तरफ इसको गेहूं के नाम से जानते हैं। वैसे बायोलॉजिकल नाम इसका नाजा नाजा है। और ये दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन्स वेनमस स्नेक है। जब भी अगर ये सांप काटता है तो 40 से 50 मिनट के बाद आपको टाइम रहता है आपके पास, तो ऐसे में आप झाड़ फूक ना करें और सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं क्योंकि इसकी काटने पर मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे। तो दोस्तों ये 25 साल पुराना है, ठंडक के महीने की वजह से ये भाग नहीं पाया। Yeah.